यहाँ हमें बताना है कि किस केस में बनेगा हिस्टोग्राम। तो हमें पता होना चाहिए इसके लिए हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस। तो हिस्टोग्राम जो होता है वो हमारा दिखता है कुछ ऐसा, और जो हमारा बार ग्राफ होता है वो दिखता है कुछ ऐसा। हिस्टोग्राम के वाई एक्सिस पर होते हैं कुछ नंबर्स। तो हम मान लेते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ 5, 10, 15, 20। और बार ग्राफ के भी वाई एक्सिस पर होते हैं कुछ नंबर्स, तो यहाँ भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। तो ये भी हो गए 5, 10, 15, 20। लेकिन हिस्टोग्राम के एक्स एक्सिस पर होते हैं नंबर्स। तो यानी अगर मैं स्टूडेंट्स की हाइट्स की बात करूं, जैसे 150 to 160 मुझे हाइट शो करनी है, तो वो आ जाएगी इस बार में, यहाँ लिख देते हैं 170, यहाँ 180, यहाँ 190। लेकिन बार ग्राफ में यहाँ पर नंबर्स नहीं होते, यहाँ पे कैटेगरी होती है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स के सेक्शन की बात करूँ, तो यानी ए सेक्शन की ये है, बी की ये, सी की ये। तो और जो हमारी हिस्टोग्राम की हाइट्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, वो होते हैं कॉन्टिन्यूस। यानी अगर मेरा ये 160 पर ख़त्म हो रहा है, तो नेक्स्ट भी शुरू हो रहा है 160 से ही, यानी इनके बीच में कोई गैप नहीं है। तो मेजर डिफरेंस ये है कि हिस्टोग्राम के दोनों साइड्स पर होते हैं नंबर्स, लेकिन बार ग्राफ में एक साइड पर होते हैं नंबर और दूसरे पर होती है कैटेगरी। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि एक नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज, यानी कि इसका टेबल बनेगा कुछ ऐसा। तो एरियाज हम मान लेते हैं ए बी सी हो जाएंगे, और नंबर ऑफ लेटर्स कुछ भी हो सकते हैं, 7, 5, 4। तो यानी एक साइड पर आ रही है मेरी कैटेगरी, जो कि आएगी एक्स एक्सिस पर, और फ्रीक्वेंसी आएगी मेरी वाई पर। यानी एक साइड पर मेरे हो गए कैटेगरी और एक साइड पे हो गए नंबर। तो यहाँ अब हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा बार ग्राफ। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं।